हेलो गाइस, वेलकम टू माय आर्ट चैनल। सो आज हम बॉक्स डीआईवाई करेंगे। मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि बॉक्स डीआईवाई कैसे किए जाते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से बॉक्स डीआईवाई होते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। जो बॉक्सेस खाली हो जाते हैं हम अक्सर उसे फेंक देते हैं, लेकिन हम इसे डीआईवाई करेंगे और नए की तरह ये दिखेंगे। फिर सबसे पहले हमें बॉक्सेस लेना है और हम वाइट कलर लेंगे। वाइट कलर से पूरे को पेंट करेंगे। पेंट हमें ब्रश से नहीं करना है, हमें स्पॉन्ज पे कलर लगाना है और जो प्लास्टिक का बॉक्स है उस पर डैब 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 करके हमें डैब करना है वाइट कलर के। कैसा लग रहा है? अब हम इस पर डॉट पेंटिंग करना स्टार्ट करेंगे। हम देंगे सारे पेस्टल कलर्स लेंगे हम, पिंक, लाइट ऑरेंज, लाइट ब्लू, येलो। डॉट टूल्स का यूज़ करेंगे हम और डॉट आर्ट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमको सेंटर में पिंक कलर से एक डॉट बनाना है। पिंक कलर से डॉट बनाने के बाद हम येलो डॉट से पूरे इस पे डॉट्स बनाएंगे पिंक कलर के डॉट के आसपास। उसके बाद जैसे ही येलो कलर के डॉट बन जाएंगे, हम येलो कलर के डॉट्स के बीच में ब्लू डॉट्स लगाएंगे और फिर येलो कलर के जो दो डॉट्स है उसके जस्ट ऊपर, ब्लू वाले के जस्ट ऊपर हम ब्लू डॉट लगाएंगे। अब हम एक बड़ा डॉट टूल लेंगे, जो साइज आपने लिया है उससे बड़ा वाला साइज, और इससे हम ऑरेंज कलर के पेस्टल डॉट्स बनाएंगे। ऑरेंज कलर के डॉट्स बनाने के बाद ब्लू वाले के ऊपर हमको पिंक कलर के डॉट्स बनाना है। देखिए, अब हम पिंक कलर के डॉट्स बनाएंगे। पूरे पे पिंक कलर के डॉट्स बनाना है हमको। पिंक कलर के डॉट्स कंप्लीट होने के बाद हम उससे थोड़ा बड़ा टूल लेंगे और येलो कलर के डॉट्स बनाएंगे। सॉरी गाइस, मैं जब ये ब्लू डॉट्स बना रही थी तब मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। देखिए, ऐसे हम येलो डॉट्स बनाएंगे, कितना सुंदर लग रहा है। येलो डॉट्स कंप्लीट होने के बाद ऑरेंज पेस्टल से हम येलो डॉट के अराउंड डॉट्स बनाएंगे फ्रॉम बिग टू स्मॉल। हमें इसमें कलर नहीं लेना है, एक ही बार कलर लेना है और डॉट्स बनाते जाना है। हम एक एक येलो डॉट छोड़ के कलर्स बनाएंगे। हम चार में ये ऑरेंज पेस्टल कलर करेंगे और चार में हम करेंगे पिंक कलर। अब हम इसमें पिंक कलर करेंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है पिंक कलर। जैसे हमने ऑरेंज पेस्टल कलर करे वैसे ही हम पिंक कलर करेंगे। पिंक कलर करने के बाद ब्लू कलर के टूल से हम स्ट्रोक्स बनाएंगे, ब्लू कलर और टूल्स के साथ में। अब हम ब्लू कलर के राइट एंड लेफ्ट साइड पिंक कलर के स्ट्रोक्स बनाएंगे। एकदम ध्यान से बनाइएगा स्ट्रोक्स, इस पर ओवरलैप मत कीजिएगा। अगर आप ओवरलैप करेंगे तो ये पूरा बिगड़ जाएगा। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब हम ऑरेंज कलर से ब्लू स्ट्रोक पे डॉट्स बनाएंगे। सारे पे डॉट्स बनाने के बाद हम ब्लू कलर का टूल लेंगे, ब्लू कलर लेंगे
टूल लेंगे और लाइट ब्लू कलर से हम डॉट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। ऐसे देखिए, हाफ बनाना है हमको। हम राइट साइड बनाएंगे, लेफ्ट साइड नहीं बनाएंगे, लेफ्ट साइड हम दूसरा आर्ट करेंगे उस पर। अब जो हमने आर्ट ऊपर ढक्कन पे करा था, उसके अलावा भी हम जो जिसमें हम सामान रखेंगे उसके आसपास भी हम स्ट्रोक्स बनाएंगे। तीन स्ट्रोक्स बनाएंगे, अलग-अलग कलर के स्ट्रोक्स बनाएंगे सारे। वीडियो ध्यान से देखिएगा। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना सुंदर सिंपल एस्थेटिक लग रहा है ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।